आज पहला दिन है किचन में कुकिंग करते हुए। पहले वहाँ काला काला किचन था, कुछ नहीं दिखता था। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को रमजान मुबारक। और आज के दिन की शुरुआत जौहर के बाद से कर रहे हैं। दिन भर जो हो गया सहरी वगैरह सब चीज की, वो थकन में निकल गई। अब फिलहाल थोड़ा सा एनर्जी फुल हुए, लेकिन फिर भी अब एनर्जी निकलने ही वाली है क्योंकि रमजान से है। बाकी हमने सोचा कि अब व्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, नीचे काम वगैरह चल रहा है, तो यहीं से आज का दिन शुरू करते हैं, ठीक है। बाकी अब चलते हैं नीचे, नीचे दिखाते हैं काम वाम। नीचे आते ही सबसे पहले मिल चुकी है आज की हमारी डिलीवरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और डिलीवरी जो है आज ओपन आई है, तो ये आपको दिख ही रहा है कि ये फैन का बॉक्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काम शुरू हो चुका है, दो दो काम एक साथ चल रहे हैं, जैसे कि साइड में मिस्त्री लगा रहे हैं टाइल और साइड में ही चल रही है बिजली फिटिंग। पहला दिन है किचन में कुकिंग करते हुए। लेकिन हाँ, एक बात है, कबाड़ा खूब बहुत सारा है इसमें, लेकिन फिर भी मतलब लग रहा है कि हाँ दब रहा है। पहले वहाँ काला काला किचन था, कुछ नहीं दिखता था। तो गाइस, अब हो रही है यहाँ पर भयंकर कुकिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं नया किचन एकदम इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर मम्मा ने रख दिया प्याज अकड़ने के लिए, क्योंकि चिकन बिरयानी बनेगी। सबसे पहले कस्टर्ड तैयार हो गया, अभी कहाँ हो गया। और अभी अभी बिल्कुल फिलहाल मैं फ्रूट्स लेकर आया हूँ, जो ऊपर का मटेरियल है वो रेडी कर दिया होगा, अंदर डालने वाली चीजें रह जाएंगी अभी। रमजानों की तो कुकिंग की बात ही अलग होती है, ये जो खुशबू आती है रमजान वाली, वैसे कितनी भी कुछ भी खा लो रमजान में कुछ अलग ही नेमतें लगती हैं सारी चीजें। सही बात है अम्मा, हमको नहीं मालूम बाद में दमक मेरी कि नहीं है। और अब जो है ना असर की अजान भी होने लगी है, तो नमाज पढ़ने भी निकलेंगे अभी। चलिए गाइस, तो मैं निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आकर मम्मा की कुकिंग दिखाऊंगा बची हुई, जब तक चलते हैं। जा रहा हूँ मम्मा। पहले पिछले साल में रमजान में जाता था यहाँ से कुंडी बजा था खड़ा पड़ल, अब तो अपना अल्हम्दुलिल्लाह है। हां मम्मा, सही बात है। चलो अस्सलाम वालेकुम। पढ़ ली नमाज क्या? पढ़नी भाई अभी तक दुआ मांग रही है, कुकर में सीटी फसर फसर कर रही है। चलिए गाइस, फल फ्रूट वगैरह धो लेते हैं, साफ सुथरे कर लेते हैं। तो मम्मा ने मंगाई है नई नई ये टोकरियां, तो इन्हीं को नया कर लेते हैं और इन्हीं में फ्रूट वगैरह डलवा लेते हैं, ठीक है। और मम्मा के काम के हिसाब से टाइम बहुत कम है, मतलब देख सकते हैं आधा घंटे में 6 बज जाएंगे, 6:25 पे रोजा है, बहुत ही जल्दी मतलब हो सकता है। अब बाकी देखो इनके होटल की रोटियां कौन खाता है, रोटियां तैयार करना है इनको, होटल से ले आना रोटी, और इनको कस्टर्ड तैयार करना, पता नहीं क्या क्या तैयार करना है, जो भी है करना, तैयार बताना बताना, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। कस्टर्ड तैयार करना, रोटियां बनाना, बस ठीक है। ओके ओके, ये निकल कर आ चुके हैं सारे फ्रूट कस्टर्ड में जाने के लिए, अब धुलने जा रहे हैं ये। और चीजों को धोने धोने की काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां से वॉश बेसिन भी खुल चुका है, यहाँ पर भी अभी वाटर कनेक्शन है नहीं सिंक में, मतलब होगा एक आध दिन में, तो सबसे ज्यादा परेशानी यही है। मम्मा चावल नहीं धो पा रही है, चिकन नहीं धो पा रही है, ऊपर जाना पड़ रहा है, कहीं भी जाना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत है अभी। ये दिक्कत ज्यादा है, इसलिए हम धोते हैं ज्यादा टाइम तक चावल धोते हैं, ज्यादा टाइम तक चिकन धोते हैं, हमें घंटों में धोने वाले इंसान। हाँ। अब वो उसको ऐसे धोना पड़ा तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। यस गाइस, तो ठीक है, इनकी अजीब सी फीलिंग पे एक लाइक कर दें। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कटिंग जिंदाबाद हो रही है, पापा कर रहे हैं मम्मा की हेल्प। चलो भाई साहब, बना क्या नहीं बना, क्या ऐसी घूम रही हो सर नए किचन में, टाइम काट रही किचन बना, वो भी आधा बना। कस्टर्ड कहाँ, किधर छुपा के रख दिया कस्टर्ड? कस्टर्ड अब इसमें सामान डालूंगी ना मैं, छुपा छुपा के रख रही हूँ। ओहो, छुपा के ऐसा लग रहा है, मैं ले लूंगी इसको सारा, हट जा। अरे आप उधर टक्कर खाई, मैं इधर बिरयानी से टक्कर खा गया। और गाइस आज आपको दिखा दें, मुन्ना भाई आज क्या काम करके गए। आज मुन्ना भाई यहाँ पर वायरिंग कर गए, जो पिछली पुरानी वायरिंग थी ना वो ऐसी थी स्पाइडरमैन की तरह उलझी हुई, अब ऊपर कर गए, वो देख सकते हैं जैसे कि आप, ऊपर सारी वायरिंग कर दी उन्होंने। यहाँ पर जो भी चीजें लगना होंगी, फैन वगैरह जो भी, वो लग जाएंगे आराम से जी। और गाइस मम्मा ने यहाँ पर कस्टर्ड के लिए अनार निकाली है, धो रही हैं इसको, बाकी यहाँ पर फ्रूट जो है कट चुके हैं। खुदा तलक ये रसाई जो खास ओ आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खास ओ आम की है, बशर पे कैसी इनायत माहे सयाम की है, माहे फैजान माहे ईमान।
तो जैसे जैसे वक्त जाता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, सबकी बहुत ही स्पीड से निकाल रहे हैं सामान वगैरह, देख सकते हैं स्पीड। मम्मा की कस्टर्ड निकालना शुरू कर दिया है मम्मा ने, परेशान नहीं खुशी भी है भाई। हाँ नहीं। मम्मा को खुशी ये है कि ये जो परेशानी हो रही है आगे चल के मम्मा के लिए आराम, अच्छा किचन, अच्छा घर सब कुछ होगा, है ना, तो इसलिए परेशानी खुशी वाली परेशानी है। बाकी रमजान है, मजा है, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ये भी दिन काटेगा अच्छे अच्छे। और ये हम खजूर लेकर आए थे अभी, इनको भी खोल लेते हैं। माशाल्लाह खजूर खुल चुके हैं और यहाँ पर मम्मा ने बिरयानी भी निकालना शुरू कर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा दस्तरखान अभी थोड़ी देर में भरी जाएगा इंशाल्लाह। आलू गोश्त निकल कर आ गया। तो ठीक है गाइस, दस्तरखान जो है पूरा कंप्लीट सेट हो चुका है। आप सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं आप। बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है, माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान मोहब्बत है रमजान, माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान मोहब्बत है रमजान। तो ठीक है भाई साहब, अजान जो है ना होने लगी है, तो अब जल्दी से बस इफ्तार लेते हैं और इफ्तार करने के बाद सीधा नमाज को निकलना है, तो उसके बाद सुकून से खाएंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से इफ्तार लेते हैं, आप लोग भी इफ्तार हो। ठीक है भाई साहब, इफ्तार जो है अपना हो चुका है, जल्दी से निकलते हैं नमाज पढ़ने को, आकर ही खाएंगे फिर। अल्लाह हाफिज। माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत है रमजान मोहब्बत है रमजान, माहे फैजान माहे ईमान, मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम। चलो गाइस पहुंच चुके हैं घर पर, बाकी बचा हुआ खाना जल्दी से खाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट करना बहुत गलत बात होती है, समझो आप इस बात को। तो चलिए गाइस आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड। मैंने निकाली है आप लोगों के कमेंट, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, और मम्मा जो है थक हार गई है, तो हम भी थक हार गए, तो आज जल्दी से सो जाते हैं, फिर सहरी में उठने के बाद फैला हुआ है वो समेटना है मुझको। यस गाइस, तो सहरी में जल्दी उठना होता है तभी मैं एडिटिंग करूंगा, अभी मैं नींद ले लेता हूँ पूरी। हाँ तो सो जाए। ओके, सबसे पहला कमेंट है हुजैफ खान का, कह रहे हैं माशाल्लाह आपको और पूरी फैमिली को माह रमजान का महीना मुबारक हो। तो शुक्रिया आपका, आपको भी भाई मुबारक हो। फिर अगला कमेंट है कुलसुम का, कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कह रही है आपको एंड पूरी फैमिली को रमजान मुबारक। आपको भी शुक्रिया आपका। फिर अगला कमेंट है जिग ब्लॉग पाकिस्तान से, कह रही है रमजान मुबारक, तो आपको भी, आपको भी और शुक्रिया। गलफ से जावेद का कमेंट है, वो भी कह रही है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमजान मुबारक तो आपको भी, आपको भी शुक्रिया आपका। लास्ट कमेंट पाकिस्तानी गर्ल का, कह रही है रमजान मुबारक तो आपको भी, आपको भी शुक्रिया आपका भाई, सभी लोगों को रमजान। बाकी आज के ब्लॉग को शुभकामनाएं, बाकी आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, करना। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय।